558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 एयर सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोको की कैब, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3,011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3,011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, फेडरल व्यवस्था में जो जमीन का काम होता है, लैंड एक्विजिशन का काम है, वो राज्य की जिम्मेदारी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि आप केरला और तमिलनाडु में पूरी तरह से सहयोग करें और लैंड एक्विजिशन के लिए हेल्प कराएं। आप बताओ माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कल कई प्रोजेक्ट्स के नाम लिए गए, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ तमिलनाडु ऑनरेबल एमपीज। ऑनरेबल स्पीकर सर, if you look at any of these projects, Attipattur Puttur new line, we require 189 hectares of land, the land acquired is zero. If you look at Madurai Tuticorin Aruppukottai new line, the land required is 871 hectare, the land acquired is only 75 hectare. If you look at Morapur Dharmapuri new line, the land required is 91 hectare, the land which has been acquired by the government of Tamil Nadu is only zero. That is the condition. Honorable speaker sir, we require 2749 hectares land in Tamil Nadu to complete the projects. Unfortunately, only 807 hectares of land has been acquired. Honorable chairman sir, whatever we can allot, what's important is that the states must also come forward and acquire the land, make sure that the cooperation is given
so that we can complete the railway projects. Honorable Chairman Sir, if we look at any state, the record allocation has been made in the current budget. माननीय अध्यक्ष जी रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन पे बहुत चर्चा हुई और उसके जो बेनिफिट अभी मिलने लगे हैं वो मैं रिकॉर्ड पे आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। अगर हम देखें करीब करीब 50 वर्षों में मात्र 20,000 किलोमीटर का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, मात्र 20,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी 44,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और इसका जो बेनिफिट मिल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में 600 मिलियन टन जो एडिशनल कार्गो हुआ है उसके कारण 640 करोड़ लीटर डीजल बचा है और अगर उसको हम जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं 400 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हुए, अगर उसे गिने तो 16 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी मैं अभी शेष विषय पर आऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी रेलवे बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है जिस संस्था के लिए हम सबको मिलके प्रयास करने पड़ेंगे और इसमें विपक्ष हो अपक्ष हो या पक्ष हो सभी की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को सभी पूरा करें ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सबने चर्चा में भाग लिया। माननीय विपक्ष के सांसदों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी कई अच्छे शब्द बोले रेलवे के लिए और आपने कई जो भी आपने कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए उन सभी सुझावों पे काम करेंगे ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए जो सदस्य ना गए मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों का कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए। अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित वर्ष 24-25 की अनुदान मांगों के सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 के सामने दर्शाए गए मार्गशीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में संध्याय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनावश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांग सूची के स्तंभ 3 में दर्शाए गए राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से माननीय राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में रेल मंत्रालय संबंधी माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। कल देर रात को 11 बजे तक सदन चला और अंतिम माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी भी पूरे समय सदन में उपस्थित रहे और एक एक माननीय सदस्यों की उन्होंने बात की। जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो अच्छा होता कि माननीय सदस्यों को विशेष रूप से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री जी की सारी बातों को सुनते, अगर कोई उसमें विषय उठाना होता तो मैं उनके बाद में उनको सवाल का उठाने का प्रश्न उठाने जा लेता, लेकिन ये व्यवस्था है कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो किसी भी माननीय सदस्य को उसमें बीच में एंट्री करने का
और प्रश्न पूछने की व्यवस्था कभी नहीं रही न कभी परंपरा रही, और मैंने पूरे समय देर रात्रि तक सभी मान्य सदस्यों को सुना। ये अच्छा परंपरा नहीं है और अच्छी परपाटी भी नहीं है, और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कभी भी कोई मान्य सदस्यों के बैठे बैठे कोई भी मान्य सदस्यों का रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। नौ अभी व्यवस्था दी और अभी आप बीच में उठ गए, और मैं कहूंगा कभी भी इधर के सदस्य बोल रहे हैं तो भी हमें इंट्रिप नहीं करना है। व्यवस्था सबके लिए व्यवस्था है, सदन के लिए सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे, अब सभा में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 25 और 26 को चर्चा के मतदान के लिए लाया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन मान्य सदस्यों को शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रचलित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज दें जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्या लिखी हो और जिनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची में कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वह अपनी सूचना सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे सकते हैं। आइटम नंबर 18